misconception, a mistaken belief or wrong idea. रोज़ाना आपको कई मिसकंसेप्शन का सामना होता है और गलती से आप इन मिसकंसेप्शन पे बिलीव भी करते हैं. ना सिर्फ आप इन मिसकंसेप्शन पे बिलीव करते हैं बल्कि इनको सही मानकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं. तो आज जो है चंद मिसकंसेप्शन आपके सामने रखेंगे और आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि दीज आर टोटली मिसकंसेप्शंस एंड दीज मिसकंसेप्शन आर मिसलीडिंग यू एंड दीज आर क्वाइट इनएक्यूरेट. तो आपने इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं धरना. तो आए आज की हम पहली जो मिसकंसेप्शन है उससे आगाज करते हैं. ये जी अपनी तरफ से एक इंस्पायरेशनल लाइंस लिखी गई है फॉर ऑल बॉयज. आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट्स इन एग्जाम बट माय फ्रेंड पास्ड इन ऑल. नाउ ही इज अ कैमरामैन इन माय मूवी एंड आई एम लीड एक्टर. नीचे लिखा हुआ है कि मैथ डजंट मैटर. अब ये स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई एक्सट्रीमली डेंजरस जो है एक मिसकंसेप्शन है. इस तरह के को इंसिडेंट्स आम लोगों की लाइफ में, बल्कि ये भी जो है ये ऐसे नहीं हो सकता. मैं कम अज़ कम इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता. और ये को इंसिडेंट्स जो है आप लोगों की, मेरे आप जैसे कॉमन पीपल की लाइफ में जो है इम्पॉसिबल है. चलें कोई इक्का दुक्का हो भी गया, लेकिन ये बिल्कुल टोटली एक रॉन्ग कंसेप्ट है, एक मिसलीडिंग जो है एक मिसकंसेप्शन है. अगली मिसकंसेप्शन देखें जी. आपने अक्सर सुना होगा मोटिवेटर्स हजरात जो हैं वो बिल गेट्स को कोट करते नज़र आते हैं. अच्छा, वो कहते हैं कि ही वॉज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द कॉलेज, एज अ रिजल्ट ही बिकेम अ सॉफ्टवेयर एज वेल एज अ बिजनेस टाइकून. मुझे बताएं एक कॉमन मैन वो ये सोच सकता है कि वो अपना अगर वो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाए और वो जनाब इस तरह के जो है वो बिल गेट्स बनने के ख्वाब शुरू कर दे या किसी बिजनेस टाइकून के ख्वाब देखने शुरू कर दे, क्या पॉसिबल है? या चलें पॉसिबल होगा, लेकिन बिल गेट्स के पीछे की जो बैक पे उसकी स्टोरी है, उसकी स्ट्रगल की कहानी कभी आपको किसी ने सुनाई है? या आपको खुद उसकी स्ट्रगल की कहानी का पता है? नहीं पता. ये जो जनाब हमारे मोटिवेटर हजरात हैं ये मिसलीड कर रहे हैं जी, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं. इन्हें बिल गेट्स की स्टोरी का खुद नहीं पता होता. जनाब इधर उधर की जी मनगढ़ंत किस्म की जो स्टोरीज हैं उनको आगे जी ये फैला देते हैं और हम लोग जो है उनको यकीन करके उन पे जो है ना सिर्फ उन पे यकीन कर लेते हैं बल्कि इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर देते हैं. तो खुदा रहे इन मिसकंसेप्शन से बचें और अपने काम पे फोकस करें, मेहनत करें और अच्छे वक्त का इंतज़ार करें. शुक्रिया.